हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में हेडिंग देखा कि एलिट हैज चेंज द एग्जाम पैटर्न ऑफ 2022, ठीक है, तो एलिट ने अपना एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी इसको लेकर? कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए? कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स यहाँ नहीं आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ आपको देने वाले हैं। सारे प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन काफी हद तक आप लोगों को ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन के बारे में मैं क्या बोलूंगा, तो ये तो आपको अभी पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में, ओके। तो देखिये, जैसे कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं, BLLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हम यहाँ ये बात कर रहे हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है अभी तक, ठीक है, ऑफलाइन ही होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट्स। क्वेश्चन टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे आपके पास, पैराग्राफ क्वेश्चंस नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ बोला है उसमें, ठीक है, मतलब पैराग्राफ बेस्ड ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है एलिट ने अभी तक, जैसे कि क्लेट में होता है भाई। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, 90 मिनट्स आपके पास होंगे इसके लिए। और मार्किंग स्कीम क्या है, फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड, 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एन इनकरेक्ट अटेम्प्ट, यानी कि 25% आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो। वन मार्क फॉर करेक्ट क्वेश्चन एंड 0.25 मार्क डिडक्टेड फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपको 1 मार्क वहां से कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है ना। क्या चेंजेस आए हैं, बेसिकली उन पर बात करनी है, और सबके अलग अलग प्रेडिक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं कि क्या एकदम से ये हो गया, चलिए क्या हो गया जान लेते हैं। एलिट BLLB सिलेबस 2022 सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, तो वेरी गुड। ये तो था पहले भी, है ना, इंग्लिश सेक्शन आपका एज इट इज है। अब इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चंस उठते हैं, क्या ये केवल पैराग्राफ बेस्ड रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहेगा, या ग्रामर वोकैबुलरी करेक्शंस ये सब कुछ हो सकता है क्या? तो गाइस वी डोंट नो, कोई नहीं जानता ये सब कि ये सब होगा या नहीं होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ हो सकता है, तो आपको अपना पूरा प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे थे पहले भी, वैसे ही इसको आपको कंटिन्यू करना है, तो आपके स्ट्रेटेजी में यहाँ कोई चेंज होने वाला नहीं है। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ये इन्होंने वेटेज कम किया है, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का वेटेज इन्होंने पहले से थोड़ा कम कर दिया है। तो प्रिपरेशन तो पूरा करना है आपको, करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट आएगा, मतलब जनरल नॉलेज में स्टैटिक पार्ट आएगा या करंट अफेयर्स आएगा, तो दोनों ही आ सकते हैं गाइस। और ज्यादातर आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां से और मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो एज इट इज जैसा प्रिपरेशन आप कर रहे थे वैसे ही आपको करना है, मतलब स्ट्रेटेजी का चेंज यहां पर भी कोई होने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां हो रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग के यहां 70 क्वेश्चंस इन्होंने करे हैं 70 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स इन्होंने यहां पर नहीं दिया है कि मैथमेटिक्स आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस पर, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग भी यहाँ रिमूव हो चुका है, लीगल रीजनिंग भी यहाँ पर नहीं है, तो प्रेडिक्शन सब अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में ही वो आपसे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग बोला हुआ है तो जो भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड पार्ट है वो सब यहाँ से पूछेगा। अब इसमें क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर एनालिटिकल रीजनिंग को अलग से दिया हुआ नहीं है। गाइज, अगर लॉजिकल रीजनिंग बोल दिया मीन्स यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछ सकता है, कोई अलग से उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट पेपर्स उठाकर देखिए तो एनालिटिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चन एलिट एग्जाम्स में आते रहे हैं,
ओके, और मैथमेटिक्स एनालिटिकल रीजनिंग में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी ये पूछ सकता है। अगर आप स्लेट का एग्जाम पेपर देखें लास्ट इयर्स का, तो उसमें मैथमेटिक्स अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट में वो आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी पूछता है ना। मैथमेटिक्स क्या, अरिथमेटिक, बेसिकली अरिथमेटिक के क्वेश्चन उस तरह से नहीं देगा कि आपको एलजेब्रा पूछ लेगा या ज्योमेट्री पूछ लेगा। जो लॉजिकली साउंड क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक के या कोई और ज्योमेट्री के भी लॉजिकल साउंड क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो यहां पूछे जा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना है। अब आप कह रहे हैं कि सर क्यों पढ़ें जब नहीं दिया हुआ है, अरे इसमें नहीं आएगा, बीलेट में तो आएगा, क्लैट में तो आएगा, क्लैट में 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आते हैं, ये आप जानते हो, है ना। तो वो प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, स्ट्रेटेजी तो आपकी वही रहने वाली है, दूसरे एग्जाम्स भी हैं जिनको आपको देना है। तो यहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग में आप बिल्कुल वॉश आउट ये नहीं कर सकते कि वो आपसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि पूछेगा ही, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शन है, किसी को नहीं पता है, अभी तक एलिट को भी ये नहीं पता है कि मैं वहां क्या देने वाला हूं। जब एग्जाम पेपर तैयार हो जाएगा तब एलिट भी इस बात को जान पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। चलिए अब गाइस, स्पेशल बैचेस आप लोगों के अनअकैडमी पर आ चुके हैं, वो एलिट के लिए हो या सीईटी महाराष्ट्र के लिए हो, बीलेट के लिए हो, क्लैट के लिए स्पेशल बैचेस चल रहे हैं आपके, तो ज्वाइन कीजिए जल्दी, देर मत कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फर्स्ट ऑफ मे को इसका एग्जाम डेट है, अभी तक अगर पैंडेमिक का कोई असर नहीं होता है तो, है ना। 8 ऑफ मे को क्लैट का डेट आया हुआ है 2022 के लिए, 2023 का दिसंबर में एग्जाम होना है क्लैट का, तो वो सारे एग्जाम्स तो चलते रहेंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी चलता रहेगा। तो ज्यादा देर नहीं करना चाहिए आपको, सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी अनअकैडमी पर, और न्यू बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं रेगुलर बेस पर, ठीक है। तो हम वेट करेंगे आपका क्लासेस में, तो आई होप आप जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। और यहां मैंने आपको एक कोड लास्ट पेज पर दिया है, चलिए इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, गिव मी अ सेक। हाँ, माय नेम इज अनुज अग्रवाल, मैथ ऑनर्स, 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ क्वांटिटेटिव ट्रेनर एंड लॉजिकल रीजनिंग ट्रेनर, ट्रेन 20,000 प्लस लर्नर्स वो बीबीए, आईबी, मैट, कैट, जेट, मैट, क्लैट, बैंक, एसएससी, सीडीएस, एफकैट, एक्सेट्रा, टॉट इन टॉप मोस्ट टेस्ट प्रेप्स लाइक करियर लॉन्चर, आईएमएस, आरआईएस, करियर प्लस, अनअकैडमी, सर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं अभी। और यू कैन यूज द कोड अनुज 10 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट इन एनी कैटेगरी, मतलब आप क्लैट के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी आपको 10% डिस्काउंट यहां से मिलेगा, या कोई और किसी कैटेगरी के, दूसरी कैटेगरी के लिए लाइक यूपीएससी, है ना, आईटीजी, इनके लिए आप सब्सक्रिप्शन अगर परचेज कर रहे हैं तो अगर आप अनुज 10 कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट यहां से अवेलेबल हो जाएगा। कैसे आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे आपको रेफरल कोड यूज करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको यहां प्रोवाइड करा देंगे गाइस। तो चलिए मिलते हैं ड्यूरिंग क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।